हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्यूट से खास से ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है और बाकी है अभी सिर्फ मेकअप करना। तो देखो, मैंने व्हाइट कलर का सूट पहना है और इस पे ही मैं दुपट्टा लेने वाली हूँ। आज का सॉन्ग जो है सैड होने वाला है और कुछ बैकग्राउंड भी मैं अपने हाथों से मतलब बनाने वाली हूँ इस सॉन्ग के लिए। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहिए क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। अब देखो, इधर मैंने सामान भी निकाल लिया है, कुछ मेकअप वगैरह का इधर पूरा सामान देखो यहाँ पे रखा गया है। इधर मेरा कपड़ा वगैरह है, देखो मेरा ये जो रूम है जिसमें मैं रेडी होती हूँ उसका पूरा गेटअप ही चेंज हो गया है। देखो क्या था, क्या से क्या हो गया। तो ब्लॉग भी आगे तक बने रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा और पूरा बैकग्राउंड भी दिखाऊंगी जो कि हाथ से बनाना है। अभी जाऊंगी रेडी होकर तब बनाऊंगी। और आज का जो सैड सॉन्ग है वो भी मेरा फेवरेट है और मुझे वो बहुत दिन से कमेंट में मतलब इंस्टाग्राम के डीएम और कमेंट में बहुत दिन से आ रहा था कि इस सॉन्ग पे परफॉर्म कीजिए, इस सॉन्ग पे परफॉर्म कीजिए। तो फाइनली आज वो दिन आ गया कि मैं जा रही हूँ बनाने। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि बनाऊ, लेकिन बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद कुछ सेलेक्टेड सॉन्ग थे डांस से रिलेटेड, तो मैंने उस पर काम किया। अब मैं जा रही हूँ फाइनली सैड जो सॉन्ग है उस पर काम करने। तो उसको मैं डालूंगी उस पूरी वीडियो को आवाज हटा के। आप लोगों को पता ही है कि गाना सही थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मेरे चैनल पे, तो मैं उसको डालूंगी और पूरा शेयर भी करूंगी कि कैसे मैंने बनाया उसको और पूरा लुक वगैरह सब कुछ शेयर होने वाला है। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैंने मेकअप कर लिया है, देखो। और बहुत ही सिंपल मेकअप है आज का, क्योंकि आज का सैड सॉन्ग है तो इसीलिए। और ये देखो, मैं जा रही हूँ दुपट्टा लगाने, तो मैंने दो सेफ्टी पिन लिया है और मेरा जो हेयर है वो ओपन रहने वाला है। तो थोड़ी सी ये जो छोटा छोटा किटकिट है उसका इस्तेमाल करेंगे बाल ओपन करने में। मैं यहाँ पे आगे लगा लूंगी ताकि बाल पूरा आगे ना आए। मेरा बहुत लंबा लंबा बाल है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है और गिरना है थोड़ा सा, थोड़ी हटके ये सॉन्ग है, हटके एक्टिंग है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से सेफ्टी के साथ रहूंगी ताकि खराब ना बने। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहिए, बाकी पूरा मेकअप देख लो। मेरा इतना ही मेकअप है और सिर्फ हेयर ओपन करके ये किटकिट लगा लेना है जो कि पिंक कलर का है और इसमें का मेरे पास रेड कलर का भी है। तो मैंने कल लगाया था एक जींस वाला एक सॉन्ग लिया था मैंने तो उसपे, और आज मैंने इसको चुना क्योंकि ये जो किटकिट है मेरे ड्रेस से एकदम मैच हो रहा है, मतलब व्हाइट और पिंक थोड़ा कॉम्बिनेशन सही है। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा और सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स, अभी शूट कर रही हूँ, देखो कितना तेज धूप निकल गया, धूप की वजह से नहीं बन पा रहा है ठीक से। तो अभी कोशिश जारी है, बना लूंगी। और ये देखो जो कि मैंने बताया था, इसमें लाल कपड़े का इस्तेमाल हुआ है, एक्ट्रेस ने किया है तो उनके पास बहुत सारी सुविधा है, मेरे पास नहीं है उतना कुछ। तो मैंने क्या किया है देखो, खंभे में ना ये लकड़ी बांध दिया है, उस पर ये दुपट्टा रख दिया है ताकि मैं ले सकूं आसानी से। तो ये वाला एक बैकग्राउंड हो गया मेरा और अभी अभी मतलब रेडी होके बनाया मैंने और दीदी ने मिलके मतलब बांधा हम लोगों ने उसको। देखो कैसे कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देख रहे हो। और इधर देखो ये खाट की भी जरूरत थी मुझे, तो देखो मैंने ये भी रखवा लिया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ एकदम। पूरा सूट सलवार पहनी हूँ व्हाइट कलर का। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा शूट करने के बाद। देखो मैं रो रो के शूट कर रही हूँ, मैं क्या बताऊँ। और अब तक शूट हो ही नहीं है, देखो कब तक हो जा रही है, हो जाएगी तो डालूंगी। सपोर्ट करना, अपना ढेर सारा प्यार देना।
तो फ्रेंड्स कमेंट में बताना कि ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, फिलहाल आप लोग देख सकते हो रात हो गया है और शूट भी कर लिया है, डाल भी दिया है। तो सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और गुड नाइट आप सभी को।